हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 Why टेक्निक के बारे में बात करेंगे। गाइस, 5 Why टेक्निक बेसिकली होता क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। गाइस, 5 Why जो टेक्निक है वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में या फिर आपके अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानना चाहते हो, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप 5 Why टेक्निक यूज़ कर सकते हो। गाइस, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से है। गाइस, 5 Why टेक्निक जो है वो बेसिकली डेवलप्ड हुआ था साकिची टोयोटा के द्वारा, जो कि एक जापान के रहने वाले हैं और वो फाउंडर ऑफ टोयोटा है। टोयोटा जो कार की कंपनी है उसका वो फाउंडर है। गाइस, इन्होंने ये जो टेक्निक डेवलप किया था 1930s में, पर ये जो टेक्निक है 1970s में बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत सारे जो अमेरिकन कंपनी और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इसको यूज़ करने लगे। गाइस, 5 Why टेक्निक में आपको क्या करना होता है कि आपको 5 Why पूछना होता है अपने आप से, अपने टीम से। आपको यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, मैं उस प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँगा। गाइस, 5 Why टेक्निक बेसिकली आपको रूट कॉज एनालिसिस में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपके स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम है, मे बी आपका रेवेन्यू जनरेशन सही से नहीं हो रहा, आप अपने क्लाइंट को सही वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या फिर कोई भी स्टार्टअप के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गाइस ये टेक्निक जो साकिची टोयोटा ने डेवलप किया था, उन्होंने बेसिकली इसे डेवलप किया था मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने डेवलप किया था, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको ईजिली उसको फाइंड आउट करने में ईजी हो। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आपको ये टेक्निक हेल्प करता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करने में। प्रॉब्लम का अगर आपको रूट पता चल जाए, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है अगर आपको पता चल जाए, तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो। गाइस, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी सिंपल सा होता है। इस प्रोसेस में आप पहले असेंबल करते हो लोगों को, जो लोग इसी प्रॉब्लम में अफेक्टेड है, मे बी कस्टमर, आपका जो मैनेजर, आपका जो जो ग्राउंड लेवल में जो वर्कर्स है वो, और जो सुपरवाइजर, सारे लोगों को आप असेंबल करते हो। आप एक मीटिंग बुलाते हो, वहाँ पे असेंबल करके आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि क्या प्रॉब्लम है। मे बी आपका सेल्स सही से नहीं हो रहा, आप अपने सेल्स टीम को गैदर करते हो, आप कस्टमर फीडबैक लेते हो और वहाँ पे आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि क्यों नहीं हो रहा सेल्स। तो यहाँ पे उनको, जो अफेक्टेड लोग हैं उनको असेंबल करने के बाद और प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आप क्या करते हो, 5 Why पूछते हो। ये एक 5-step प्रोसेस होता है जिसमें कि आप कस्टमर से, आप अपने जो असेंबल टीम से बार बार पूछते हो कि क्यों। तो पहले आप लोग, जैसे कि लेट सपोज कि आप अपने लाइफ में अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो, मे बी उसका रूट कॉज क्या है, आप क्यों खोलना चाहते हो, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप अपने जो स्टार्टअप के जो भी है, आपके जो क्लाइंट्स है, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आप उनको गैदर करते हो। उनको गैदर करने के बाद आप पूछते हो, व्हाई, मैं अपना स्टार्टअप क्यों करना चाहता हूँ। आप पूछते हो, मे बी आपको लोगों के प्रॉब्लम देख के, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, मे बी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हो। उसके बाद दूसरी बार आप अगेन व्हाई पूछते हो कि क्यों, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो मैं क्यों बनना चाहता हूँ। उसके बाद आप अपने उसका आंसर देते हो कि मे बी मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपना वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हो। उसके बाद आप अगेन पूछना चाहते हो कि मैं अपने जो लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन के ये सारी चीज़ें क्यों अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे, अगर आप अगेन, आपको अगर पूछना है अगेन, आप और डीप जाना चाहते हो, फिर आप वाई पूछते हो कि क्यों, तो यहाँ पे आप 5 Why पूछते हो, क्यों क्यों हो रहा है। और ये हुआ है, जैसे कि आपने गोल्डन सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, मैं गोल्डन सर्कल के बारे में भी, साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल के बारे में भी आपको एक वीडियो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर ये जो 5 Why टेक्निक है, उसी व्हाई को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। और जब आपको पता चल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का, मे बी आपका मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, मे बी किसी रोबोटिक्स और मे बी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई एक प्रॉब्लम होगा, फिर आप पूछते हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुआ, मे बी किसी वर्कर ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो फिर आप पूछते हो कि मे बी वर्कर क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके जो सुपरवाइजर है उसमें कोई गलती होगी।
फिर आप पूछते हो कि सुपरवाइज़र गलती क्यों किया, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। फिर आप पूछते हो कि प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं मिला, क्योंकि टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने ट्रेनिंग का शेड्यूल या फिर ट्रेनिंग का सही से प्रोवाइड नहीं किया। तब आपको पता चलता है कि रूट प्रॉब्लम का जो जो कॉज होता है, तो रूट कॉज एनालिसिस से बोलते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम का रूट को पता चलाते हैं, आपको पता चलता है कि क्यों हो रहा है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को वहीं से रूट से ही निकाल फेंकते हो। तो ये होता है 5 व्हाई टेक्निक। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेसिकली हम जब लीन स्टार्टअप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और जब मैं आपको बताऊंगा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, उस टाइम पे 5 व्हाई टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको स्टार्टअप में या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है, मे बी आपका सेल्स नहीं हो रहा, मे बी आपके आपको आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच नहीं पा रहे, मे बी आप यूट्यूब चैनल पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, मे बी आप अपने इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं ला पा रहे, तो ये 5 व्हाई पूछ के आप खुद को पूछ सकते हो कि क्यों नहीं हो रहे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, मे बी मेरे पास अच्छा कंटेंट नहीं है। तो मेरे पास अच्छे कंटेंट क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा। तो ऐसे ही आप 5 व्हाई पूछ के अपने रूट कॉज पर काम कर सकते हो। और जब आप अपने रूट कॉज पर काम कर सकते हो, जब आप अपने रूट कॉज और रूट एनालिसिस करते हो, तब आपको पता चलता है कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो। और ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है गाइज। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बाय बाय गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।